हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हाँ तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वॉल्व को अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। इस वॉल्व को बंद करने के बाद आपके सिस्टम के ऊपर इस टाइप का एक कवर लगा होगा, उस कवर को आपको रिमूव करना है। ये इजीली रिमूव हो जाएगा, ये ऐसे ही हल्का सा रखा होता है। कवर हटाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जैसा कि देख रहे हैं आप। तो मैं इस फ्लश का बटन प्रेस कर रहा हूँ, बट फ्लश नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप, नो रिस्पॉन्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे फ्लश का वाटर टैंक बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये ब्लू कलर के अंदर छोटा सा जो पाइप है, इसके ये इनलेट का पाइप है, इसके थ्रू वाटर टैंक फिल होता है, ये पूरा ब्लॉक हो गया है। तो इसे निकाल के साफ़ करेंगे हम। तो आपको बताते हैं ये कैसे बाहर निकलेगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का बोल्ड है, इसके थ्रू वो ऊपर टाइट हुआ हुआ है। और ये कॉपर का बोल्ड जो है, ये ऊपर जो टैंक रखी है छत पे, उससे कनेक्ट है। तो इस जो ये ब्लू कलर का है, इसे हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो बोल्ड है, इसे हम खोल लेते हैं। ये आप इजीली खोल सकते हैं हाथ से, ये बहुत हल्का लगा होता है। तो मैं खोल रहा हूँ, जैसे कि देखिए मैंने खोल के बाहर निकाल लिया। अब ये आराम से रिमूव हो जाएगा, देखिए बाहर निकल लिया। ये कुछ इस टाइप का है, देखिए ये पूरा ब्लॉक हो गया है। जो ये पाइप होता है, जो लोहे वाला, उससे तो आप इसे वायर या कोई नोकीली चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, हारपिक के थ्रू। हारपिक डाल देंगे आप तो और आसानी से साफ हो जाएगा। और जो मैं साफ़ कर रहा हूँ, ये ऊपर वाटर टैंक में कनेक्ट होता है। तो ये जो वाटर टैंक, जो आपका पाइप होता है, उसमें लोहे का जो पाइप होता है, उसके जंग से ये ब्लॉक हो जाता है। तो आप इसको साफ़ कर लेंगे हारपिक से। उसके बाद ये आपका इनलेट का पाइप है, जो वाटर टैंक के अंदर दिखाया था मैंने। इसके थ्रू आपका वाटर टैंक जो है, फ्लश का जो वाटर टैंक है, वो फिल होता है। तो आप इसको भी साफ़ कर लेंगे। ये अगर साफ़ हो जाएगा तो आपको वाटर टैंक बहुत इजीली फिल होगा। उसके बाद आपके घर में कोई प्रेशर वाली, जहाँ से प्रेशर से पानी आता हो, उससे आप इसे साफ़ कर लेंगे। यहाँ से प्रेशर मारेंगे आप तो इसका जो, ये देखिए इनलेट वाला है, ये देखिए साफ़ हो गया। देखिए कितनी तेज़ पानी निकल रहा है, ये पूरा ब्लॉक था, देखिए यहाँ से देखिए पानी निकल रहा है। इसी के थ्रू आपका वाटर टैंक जो है फ्लश वाला, वो फिल हो जाएगा। इसे हमने जो निकाला था, इसे आप इजीली आप फिट कर दिए यहाँ पर। ये देखिए ये हो चुका है फिट। इसे थोड़ा सा आप सेट कर लिए अपने हिसाब से, तो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से असेंबल कर लेते हैं। तो नीचे से जैसे आपको मैंने दिखाया था, जो वाइट कलर का बोल्ड है, उसे आप टाइट कर लिए सही से, जैसा कि देखिए पूरा अच्छी तरीके से लग गया है। पहले की तरह लगा दिया हमने इसे वैसे ही। अब इसके बाद जो ऊपर टैंक, ये ऊपर टैंक में कनेक्ट है, इसको लगा देते हैं छत पे। अब इसे हम इसको यहाँ से वॉल्व को खोल देते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए जो वाटर टैंक का, इसका फ्लश का इनलेट, वो देखिए कितनी तेज़ी से पानी भर रहा है इसके अंदर। देखिए बिल्कुल पहले ब्लॉक था, एक बूंद पानी नहीं आ रहा था इसके अंदर, देख सकते हैं आप कितना। ये वाला पाइप इसमें पहले से लगा था, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके, और ये वाला जो है येलो वाला, इसको येलो वाले, इस पाइप को येलो वाले में कनेक्ट करेंगे। इसी के थ्रू आपका पानी फ्लश में जाएगा। तो ये 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा फिल हो जाता है। और जब ये नीचे, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, इसके लेवल तक आता है, तो ऑटोमेटिक पानी कट हो जाता है फिल होना। तो चलिए इसे फिल होने देते हैं पूरा। तो देख सकते हैं आप, आधे से ज़्यादा टैंक फिल हो चुका है। जैसे ही ब्लू वाले के लेवल में आएगा, और देखिए ऑटोमेटिक कट हो चुका है। तो चलिए अब ये देखिए आप, पूरा फिल हो चुका है ये टैंक अपने लेवल तक, देख सकते हैं जैसा। तो अब हम फ्लश कर इसे, इसके कवर को जो हमने खोला था, उसे ढक दिया सही से। तो अब हम आपको फ्लश करके दिखाएंगे। देखिए मैंने फ्लश कराया है अभी,
ये देखिए फ्लैश का बटन प्रेस करा, देखिए फ्लैश होने लगा। पहले एक ये बिल्कुल सूख गया था, इसका वाटर टैंक बिल्कुल ही फ्लैश नहीं होता था। तो आप इस तरीके से अपने घर में खुश खुद से आप इसका ब्लॉकेज इजीली सही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जब तक के लिए बाय।